मुंबई के पास दबंग नेता का मर्डर। कांग्रेस नेता की पीठ पर मारी गोली। सीने और हाथ पर तलवारों के वार। तीस सेकंड में मौत के 25 वार। गाड़ी से उतरते ही पीछे से आई मौत। दिल दहला देने वाला सीसीटीवी वीडियो। दबंग नेता के कातिलों की तलाश। बंदूक, तलवार और तीन किलर का राज। नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। वैलेंटाइंस डे यानी कल मुंबई के पास एक नेता अपनी गाड़ी से उतरा। रात के करीब 9:30 बजे थे। उस दबंग नेता ने गाड़ी पार्किंग में लगाई और अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, मगर उसके ठीक पीछे मौत उसका पीछा कर रही थी। अचानक एक आवाज हुई और नेता जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद जो कुछ हुआ वो किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी है। रिपोर्ट देखिए। मुंबई के पास भिवंडी में वैलेंटाइन डे पर तीन कातिलों ने खून की होली खेली। कांग्रेस के एक दबंग कहलाने वाले पार्षद पर सिर्फ 30 सेकंड में मौत के 25 वार किए गए। हमलावरों ने मृतक को संभलने का मौका भी नहीं दिया। भिवंडी निजामपुर नगर निगम में कांग्रेस के पार्षद मनोज महात्रे 14 फरवरी की रात 9:42 पर अपने घर से कुछ ही कदम की दूरी पर थे। भिवंडी के ओसवाल वादी कस्बे में पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद वो सोसाइटी के गेट के सामने अपने घर जा रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि उनके ठीक पीछे मौत आ रही है। मृतक मनोज की पीठ पर एक गोली लगी और वो सीने के बल जमीन पर गिर गए। उनके पीछे एक बंदूकधारी हमलावर नजर आया। उसने मनोज महात्रे को टारगेट पर दोबारा लिया, लेकिन तब तक दो और हमलावर आए और जमीन पर तड़प रहे नेता पर टूट पड़े। एक के पास तलवार और दूसरे के पास धारदार हथियार था। दोनों ने मिलकर कांग्रेस नेता के सिर, छाती और हाथों पर ताबड़तोड़ 25 हमले किए। करीब 30 सेकंड में दोनों हमलावरों ने 25 वार कर दिए। गोली चलने के फौरन बाद तलवार वाले एक शख्स ने हमले जारी रखे और इसी दौरान दूसरा शख्स उसे धारदार हथियार से घसीटने लगा। सिर से पैर तक हमलावरों ने हर जगह वार किए। गोली, तलवार और धारदार हथियार के हमले से घायल नेता बेसुध हो गए। दोनों हमलावरों के हाथ तब तक नहीं रुके
जब तक मनोज महात्रे बेहोश नहीं हो गए। इस पूरे हमले की दो चश्मदीद भी हैं। जिस वक्त कांग्रेस के पार्षद मनोज पर गोली चली और फिर धारदार हथियारों से हमला हो रहा था, ठीक उसी वक्त दो शख्स सीसीटीवी वीडियो में नजर आए। हमले के फौरन बाद एक शख्स आया और घटना देखकर वो घबरा गया। बदमाशों को देखकर बीच बचाव करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और वो भाग गया। इस बीच दोनों हमलावर नेता पर वार करते रहे। करीब 30 सेकंड तक किए गए हमले में मनोज महात्रे बेसुध हो गए तो सोसाइटी का एक शख्स हमलावरों की ओर दौड़ा, मगर तब तक वो तीनों फरार हो चुके थे। तीनों हमलावरों के बारे में अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है, मगर पुलिस ने इस मामले में एक बड़ी साजिश के तहत जांच शुरू कर दी है। कपिल राउत, जी मीडिया, भिवंडी, महाराष्ट्र। कांग्रेस पार्षद मनोज महात्रे की हत्या से जुड़े तार तलाशने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से देखा। हमलावरों की शक्ल तो वो नहीं पहचान सकी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज देखकर और मनोज के परिवार वालों से बात करने के बाद ये मालूम हुआ कि इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे किसका हाथ है। मुंबई के पास भिवंडी में कांग्रेस के पार्षद मनोज महात्रे की हत्या का मामला शुरुआती तौर पर काफी उलझा हुआ लग रहा था। सीसीटीवी वीडियो में पूरी वारदात को देखने के बाद पुलिस को यह अंदाजा लगा कि मर्डर किसी पुरानी रंजिश की वजह से किया गया है। जिस तरह से हमलावरों ने बंदूक और तलवार से हमले किए और तब तक हमला जारी रखा जब तक उन्हें यह यकीन नहीं हो गया कि मनोज महात्रे या तो दम तोड़ चुका है या उसका बचना नामुमकिन है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मनोज के दुश्मनों की पड़ताल शुरू की। 14 फरवरी की रात को हुए हमले में पुलिस को कुछ सुराग मिले, जिसके बाद इस हत्याकांड में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। भिवंडी पुलिस ने कांग्रेस पार्षद मनोज महात्रे हत्याकांड में उसके चचेरे भाई प्रशांत के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक उसके पास पुख्ता सुराग है कि इस मर्डर के पीछे प्रशांत का हाथ है। पुलिस ने मनोज के घर वालों से बातचीत में उसे पता चला है कि प्रशांत और मनोज के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। मनोज के बढ़ते कद को लेकर प्रशांत ने उसके मर्डर का प्लान बनाया। पुलिस के मुताबिक कांग्रेस पार्षद मनोज महात्रे की दबंग छवि थी। वो भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में पार्षद था। हालांकि उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं था, मगर नगर निगम में उसकी पहचान दबंग नेता के रूप में थी। इसी वजह से इलाके में मनोज महात्रे की दुश्मनी बढ़ गई थी। बढ़ती रंजिश की वजह से उसने अपना घर बदल दिया था। पहले वो भिवंडी के कलवा इलाके में रहता था, बाद में भिवंडी के ओसवाल वादी में आकर रहने लगा। पुलिस को शक है कि बदमाशों ने हत्या से पहले रेकी की होगी। पुलिस ने मर्डर की पूरी साजिश के पीछे चचेरे भाई प्रशांत महात्रे का हाथ माना है। और इस मर्डर के पीछे जिनका हाथ था वो तीन लोग थे जिन्होंने ताबड़तोड़ वार किए, हमले किए, लेकिन ये तीनों ही कातिल अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।